और अब आपको सीधे लिए चलते हैं संभल के श्री कल्कि धाम, जहां पर भारत एक्सप्रेस की सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी मौजूद हैं और यहां पर शिलादान के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देखिए, भारत एक्सप्रेस की सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम की मौजूदगी है। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा। गणानां गणपतिको हवामहे प्रियाणां प्रियपतिको हवामहे निधीनां निधिपतिको हवामहे स्वाहा। शते लक्ष्मीशवत्या बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तं मैष्णन्निकाणामुं मयिकाण सर्वलोकां मयिकाण स्वाहा। प्रणयो आप देखिए भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय की मौजूदगी है और यहां पर शिलादान करते हुए श्री उपेंद्र राय जी, उनके साथ कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को आप देख पा रहे हैं हवन पूजन करते हुए। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय कल्कि धाम में 108 कुंडीय शिलादान महायज्ञ के साथ इसकी शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश के संभल से आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर भारत एक्सप्रेस की सीएमडी उपेंद्र राय मौजूद है। महोत्सव में शामिल होने के लिए उपेंद्र राय जी पहुंचे और कल्कि धाम के पीठाधीश्वर श्री उपेंद्र राय के साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम को आप देख पा रहे हैं परिक्रमा करते हुए। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय आशीर्वाद लेते हुए और इस कल्कि महोत्सव का दिव्य और भव्य आयोजन की तस्वीरें आप देखिए। भारत एक्सप्रेस की सीएमडी आस्था और श्रद्धा के महामहोत्सव में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं, शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है और इनके साथ कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ भारत एक्सप्रेस की सीएमडी श्री उपेंद्र राय। सीधी तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश की संभल से हम दिखा रहे हैं। 108 कुंडीय महायज्ञ, जहां पर खुद भारत एक्सप्रेस की सीएमडी श्री उपेंद्र राय पहुंचे, उन्होंने हवन पूजन किया, आशीर्वाद लिया, परिक्रमा की महोत्सव में शामिल होने के लिए। उनके साथ कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को आप देख पा रहे हैं, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त और इन सब के बीच कल्कि महोत्सव का दिव्य और भव्य आयोजन। इस आयोजन में शिरकत करने के लिए, आस्था और श्रद्धा के महामहोत्सव में शामिल होने के लिए भारत एक्सप्रेस की सीएमडी श्री उपेंद्र राय पहुंचे, शामिल हुए, हवन पूजन उन्होंने किया, शिलादान किया, परिक्रमा की और उसके साथ आशीर्वाद लिया। कल्कि धाम में 5 दिवसीय महोत्सव
ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को आप देख पा रहे हैं, श्री उपेंद्र राय जी के साथ उनकी मौजूदगी है। 108 कुंडीय शिलादान महायज्ञ के साथ इसकी शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश के संभल से आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर तमाम बड़ी हस्तियां शिरकत करने के लिए पहुंची और इसी कड़ी में भारत एक्सप्रेस की सीएमडी इस महोत्सव का हिस्सा बने। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरीके से श्री उपेंद्र राय जी ने हवन पूजन किया और उनके साथ इस हवन पूजन के दौरान कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम साथ रहे, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, हवन किया गया। और ये तस्वीरें आप देखिए, आस्था और श्रद्धा का महामहोत्सव जिसमें शिरकत करने के लिए भारत एक्सप्रेस की सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी पहुंचे। उन्होंने हवन पूजन किया, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया और उसके बाद जायजा लेते हुए किस तरीके से तमाम अलग अलग तरीके की व्यवस्थाओं के साथ भव्य आयोजन 108 कुंडीय शिलादान महायज्ञ के साथ शुरू हुआ। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भारत एक्सप्रेस की सीएमडी उपेंद्र राय जी ने पूजा अर्चना की विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ। उनके साथ कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम भी साथ रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल्कि धाम का शिलान्यास किया था और लगातार सनातन पर मुखर होकर अपनी बात रखते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। आस्था और श्रद्धा का महामहोत्सव संभल में आयोजित हो रहा है और इसका हिस्सा खुद भारत एक्सप्रेस की सीएमडी श्री उपेंद्र राय बने। कल्कि धाम में 5 दिवसीय महोत्सव, ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। शिलादान महायज्ञ के साथ शुरुआत होती है, 108 कुंडीय शिलादान महायज्ञ की शुरुआत हुई। भारत एक्सप्रेस की सीएमडी श्री उपेंद्र राय की मौजूदगी है। महोत्सव में शामिल होने के लिए खुद उपेंद्र राय जी संभल पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम श्री उपेंद्र राय जी को जानकारी देते हुए बताते हुए कि किस तरीके से यह आयोजन हो रहा है कल्कि धाम में, भव्य आयोजन। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब उपेंद्र राय जी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, उनके साथ कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम मौजूद रहे। एक सौ आठ कुंडीय महायज्ञ की शुरुआत। महोत्सव में शामिल होने के लिए उपेंद्र राय जी तो ये तस्वीरें आप देखिए, शिलादान के लिए भारत एक्सप्रेस के सीएमडी ने
स्थान लिया। कल की धाम में 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत एक्सप्रेस की सीएमडी श्री उपेंद्र राय की मौजूदगी है। शिलादान के लिए श्री उपेंद्र राय जी स्थान लेते हुए, ये तस्वीरें आप देखिए, विधि विधान के साथ शिलादान हो रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है। शिलादान के ठीक पहले की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर उपेंद्र राय जी की मौजूदगी है, मंत्रोच्चार के साथ शिलादान हो रहा है। उपेंद्र राय ने कल की धाम में शिलादान किया और ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कल की धाम का शिलान्यास किया था। माता सपिता सपुत्रः विषमे देवा अतिथिः पञ्च जना अतिर्जातम् अतिर्जन्तवम् आद्यौः शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः पर्वतयः शान्तिर्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरीरीरतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पाशुभ्यः शान्तिर्भवतु जयामि यक्षदान् समर्पयामि नमस्करोमि सुमुखशेखदन्तश्च कपिलोपजकर्णकः सूर्यासोमयमहाकालो महाभूतानि पञ्च च एते शुभा शुभा प्रोक्ता कर्मणो नमसाक्षिणः यतर्विष्णोः सदा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्चाकरणं देव सर्वं विष्णुर्मयं जगत् गुरुवचार देवं गुणगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथो गोत्रोत्पन्नोहां नामोहां कल्किधाम आश्रमे निर्माणार्थम् अद्य दिने शिलापूजनं करिष्ये। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं ततो सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिघं ज्योतिरेकं तन्मे शिव संकल्पमस्तु। आपोष्टामयो भुवस्थान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, आस्था और श्रद्धा का महामहोत्सव, जहां पर भारत एक्सप्रेस की सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी पूजा अर्चना करते हुए खुद अपने हाथों से शिलादान के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस की सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी कल की धाम में 5 दिवसीय महोत्सव विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए उपेंद्र राय जी शिलादान करते हुए, शिलादान महायज्ञ के साथ इसकी शुरुआत उन्होंने की और उसके बाद अब विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ तमाम पंडितों की मौजूदगी और इन सब के बीच श्री उपेंद्र राय जी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए ये तस्वीरें आप संभल यूपी से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 108 कुंडीय शिलादान महायज्ञ के साथ भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी उत्तर प्रदेश के संभल पहुंचे, यहां पर कल की महोत्सव में शामिल होने के लिए उपेंद्र राय जी पहुंचे संभल और ये सीधी तस्वीरें शिलादान करते हुए विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल्कि धाम का शिलान्यास किया था। कल्कि महोत्सव का दिव्य और भव्य आयोजन, जहां पर खुद भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी मौजूद हैं। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। उत्तर प्रदेश के संभल से आपको ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कल्कि महोत्सव की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधि विधान के साथ शिलादान करते हुए भारत एक्सप्रेस की सीएमडी उपेंद्र राय जी, पूजा अर्चना की जा रही है। शिलादान महायज्ञ के साथ आगाज हुआ और उसके बाद खुद भारत एक्सप्रेस की सीएमडी 108 कुंडीय शिलादान महायज्ञ के साथ शिलादान करते हुए, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए, मंत्रोच्चार के साथ, तमाम आचार्यों की मौजूदगी के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं श्री उपेंद्र राय जी। प्रधानमंत्री मोदी ने कल्कि धाम का शिलान्यास किया था और उसके बाद एक भव्य आयोजन की रूपरेखा और इस भव्य और दिव्य आयोजन की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधि विधान के साथ संभल में आस्था और श्रद्धा का महामहोत्सव, जहां पर खुद भारत एक्सप्रेस की सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी पहुंचे। विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की, हवन किया और उसके बाद शिलादान करते हुए भारत एक्सप्रेस की सीएमडी उपेंद्र राय जी। एक सौ आठ कुंडीय शिलादान महायज्ञ, कल्कि धाम में भव्य और दिव्य आयोजन, भारत एक्सप्रेस की सीएमडी उपेंद्र राय की मौजूदगी और सीधी तस्वीरें उत्तर प्रदेश की संभल से। उपेंद्र राय जी ने कल्कि धाम में शिलादान किया, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए, ईश्वर का आशीर्वाद लेते हुए कल्कि महोत्सव का दिव्य और भव्य आयोजन। ये तस्वीरें आप देखिए, भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय जी ने कल्कि धाम में शिलादान किया, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और एक बार फिर से परिक्रमा करते हुए भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय जी आशीर्वाद लेते हुए ईश्वर का। 108 कुंडीय शिलादान महायज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं भारत एक्सप्रेस के सीएमडी। इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं। परिक्रमा करते हुए उपेंद्र राय जी भारत एक्सप्रेस की सीएमडी आशीर्वाद लेते हुए, विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ शिलादान किया भारत एक्सप्रेस की सीएमडी उपेंद्र राय जी। सभी साष्टांग दंडवत करेंगे, साष्टांग दंडवत यहां से, साष्टांग दंडवत करेंगे सभी। तो ये तस्वीरें आप देखिए, दंडवत प्रणाम करते हुए श्री उपेंद्र राय जी कल्कि धाम में ईश्वर का आशीर्वाद लेते हुए हाथ जोड़कर उन्होंने किस तरीके से, और उनके साथ आप देख पा रहे हैं कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। सर सामने, और ये तस्वीरें आप देखिए,
एक भेंट स्वरूप सम्मान श्री उपेंद्र राय जी का कल की महोत्सव में दिव्य और भव्य आयोजन के बीच श्री उपेंद्र राय जी का राजू सम्मान किया गया। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, कल की महोत्सव की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में भव्य और दिव्य आयोजन, जहां आचार्य प्रमोद कृष्णम की मौजूदगी आप देख पा रहे हैं। शिलादान महायज्ञ के साथ इसकी शुरुआत होती है। 108 कुंडी है महायज्ञ। भारत एक्सप्रेस की सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी की मौजूदगी, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। महोत्सव में शामिल होने के लिए उपेंद्र राय जी पहुंचे। और एक बार फिर से आपको लेके चलते हैं कल की धाम, जहां पर भारत एक्सप्रेस की सीएमडी उपेंद्र राय जी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। लेकिन महाराज जी ने जो बताया उसको देख के लगा कि सुन के लगा कि सैकड़ों वर्ष के इतिहास के बाद मुझे लगता है कि कोई ऐसा मंदिर 2030 तक बन के तैयार होगा जो वाकई अपने आप में इतिहास को आकर्षित करेगा, और जो उसके बनने की जो चीज़ें लिखी जाएंगी और कल्कि धाम का निर्माण कैसे हुआ, जो महाराज जी का संघर्ष लिखा जाएगा, जो संघर्ष गाथा लिखी जाएगी कि कैसे एक संत को भी जो है थाना कचहरी पुलिस लोअर कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे लड़ लड़ के जो है धर्म कर्म के काम के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो भगवान ने जब इंसान को बनाया तो देवताओं से कहा कि मैंने एक बहुत ही उत्कृष्ट अपना जो कह सकते हैं कि चीज़ बनाई है वो इंसान बनाया है। तो देवताओं ने भगवान से सवाल किया कि प्रभु आपने उत्कृष्ट ही बनाया तो सोने से बना देते, आपके पास किस चीज़ की कमी, चांदी से बना देते, लोहे से बना देते, सबसे निकृष्टतम मिट्टी से क्यों बनाया जो रोज पैरों के नीचे लगती है। तो परमात्मा ने जवाब दिया कि श्रेष्ठतम को निकृष्टतम से होके जाना पड़ता है, श्रेष्ठतम की चुनौती है निकृष्टतम, अगर निकृष्टतम से ऊपर उठा तब जाके श्रेष्ठ बना। तो महाराज जी ने अगर इसका निर्माण का जिम्मा लिया है, और मुझे ये कहानी बहुत आकर्षित करती है और उस कहानी से मैं बहुत प्रभावित हूँ, आपके पूरे जीवन क्रम से प्रभावित हूँ। अभी रजत शर्मा जी हम सबके बड़े भाई हैं, पत्रकारिता में मैं कह सकता हूँ कि उनके जैसा कोई जलता हुआ सूरज उगता हुआ सूरज अभी भी नहीं है, हम सब उनको देख देख के बड़े हुए हैं। उनका इंटरव्यू जो महाराज जी का मैंने देखा जनता की अदालत में, तो मुझे ये लगा कि एक संत को ऐसा ही होना चाहिए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो महाराज जी से मैं इतना सीखता हूँ, और जब भी कभी दुविधा में होता हूँ तो मैं इनके शरण में आता हूँ, और इनसे जब मैं राय मांगता हूँ या जब बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि महाराज जी के पास कोई काम नहीं है क्या, लेकिन काम बहुत होता है, बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन इनका स्वभाव ऐसा है कि जब किसी का भी फोन आता है तो इतना शांत मन से सुझाव देते हैं, तो लगता है हम लोगों को कि महाराज जी कितने सुलभ उपस्थित हैं, कितना सुलभ जो है हमारे लिए हैं। लेकिन इनकी यही सुलभता और संतों से इनको बहुत अलग करती है, इनकी यही सहजता सहज वाणी, इनका हिंदी उर्दू अंग्रेजी सभी भाषाओं पर विशेष ज्ञान, कोई जाति वर्ग विशेष को भेद किए बिना लोगों को सबको शामिल करना है। कल्कि धाम में किसी के आने पर यहाँ पे पाबंदी नहीं, कोई भी आ सकता है। तो ये इनका जो सर्वधर्म संभाव का भी जो भाव है और सबके स्वागत करने का भी जो है, एक सवाल पूछा गया था कि आप फारूक अब्दुल्ला का भी स्वागत करते हैं और संतों का भी करते हैं, तो इन्होंने कहा कि उस फारूक अब्दुल्ला का स्वागत मैं क्यों ना करूं जो हमारे कल्कि धाम में बैठ के कीर्तन गाए, तो उस फारूक अब्दुल्ला का मैं स्वागत करता हूँ। तो मुझे लगता है कि महाराज जी के पास जो आता है अपने जो है एक लबादे को जो ओढ़ के चलता है उसको उतार के आता है, तो ये इनकी विशेषता है, और इनकी इस विशेषता से मैं भी बहुत प्रभावित हूँ, इसी कारण मैं आया हूँ यहाँ पे। महाराज जी आपसे मैं एक सवाल पूछूंगी, तमाम तरीके के चैलेंजेस आपने देखे, हर तरह से विरोध भी देखा सहयोग भी देखा, आज पूरा मीडिया जगत आपके साथ है आपको सपोर्ट कर रहा है और पूरा भारत एक्सप्रेस जो है आपको सपोर्ट कर रहा है, तो इस बारे में मीडिया के लिए हमारे चैनल के लिए दो शब्द। देखिए ये सनातन के लिए गौरवान्वित होने वाले पल हैं,
18 वर्ष पहले एक संकल्प लिया गया, उस संकल्प को शक्ति प्रदान करने का काम भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने किया। 18 साल के संघर्ष को समाप्त किया, 19 फरवरी को इसी स्थान पर आकर के शिकल की धाम का शिलान्यास किया, जहां आज उपेंद्र जी ने शिलादान किया है। और ये शिलादान महायज्ञ है। अब मंदिर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। ये मंदिर लगभग, ये भवन जो है वो 4.25 एकड़ में है। इसकी जो शिखर की ऊंचाई है वो 108 फीट होगी। और ये दुनिया का पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हो रहा है। ये दुनिया का पहला ऐसा धाम है जिसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार के 10 अलग अलग गर्भगृह होंगे। तो ऐसा धाम, और भगवान जहाँ आया और जहाँ भगवान आएगा, ये पूरा सृष्टि का एक काल चक्र है। तो सनातन का प्रथम चरण और सनातन, ये जी इस सृष्टि का अंतिम चरण, सतयुग से कलयुग की यात्रा, हम इसके बीच में हैं। तो आज उपेंद्र जी ने आकर के यहाँ स्वर्ण शिला का दान किया है। श्री कल्की पीठ और श्री कल्की धाम के सभी हमारे शुभ चिंतकों की तरफ से, वहाँ के जिम्मेदारों की तरफ से, श्री कल्की धाम ट्रस्ट की तरफ से, हम उपेंद्र जी का, जिंदल जी का, आशीष जी का, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है, इनका आभार व्यक्त करते हैं। और हम चाहते हैं कि इनका एक अटूट संबंध श्री कल्की धाम से स्थापित हो चुका है, ये बना रहे जी। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनके सारे मनोरथ पूर्ण हो जी। और मैं हृदय से एक तो प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने कल पत्र भी भेजा जी। वो पत्र पढ़कर सुनाया गया, श्री कल्की धाम की विराटता को लेके, श्री कल्की धाम की आध्यात्मिक शक्ति को लेके। और आज उपेंद्र जी आए, इनका आभार व्यक्त करता हूँ सबका, और शुभाशीष देता हूँ। भारत एक्सप्रेस को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो सनातन के कार्य में जिस तरह लगा है, इसी तरह आगे लगा रहे जी। तो इस वक्त हम मौजूद है संभल के कल्की धाम में, और यहाँ से हमने आपको सीधा प्रसारण दिखाया है। सत्य की जीत हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की स्थापना हो। मिताली चंदोला, संभल। तो आप सुन रहे थे श्री कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को, और इसके साथ भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय जी ने भी विचार रखे कल्की धाम को लेकर, वो क्या सोच रहे हैं, सनातन को लेकर क्या सोचते हैं। उन्होंने अपने अंदाज में सनातन को नए तरीके से परिभाषित किया है, और आज सनातन किस तरीके से लोगों के मन मस्तिष्क में विराजमान है, इसका धन्यवाद भी दिया आचार्य प्रमोद कृष्णम का श्री उपेंद्र राय जी ने।